नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जिसके मन के भीतर शास्त्रीय कलाओं का कोई बीज होता है तो वो फूट ही जाता है, उसमें से कोपल निकल ही आती है। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं जिन्होंने पढ़ाई तो गणित में की, लेकिन उनके मन के भीतर शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गायन के बीज फूट रहे थे और वो बन गई देश की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना गीता चंद्रन, हमारी आज की तेजस्विनी। शास्त्रीय नृत्य में ही पारंगत नहीं बल्कि कर्नाटक संगीत पर भी मजबूत पकड़ रखने वाली गीता चंद्रन ने 5 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया था और 8 साल में कर्नाटक संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण परिवार से के नाते गीता को शास्त्रीय संगीत और नृत्य के साथ साथ शिक्षा, खासतौर से उच्च शिक्षा के लिए पूरा प्रोत्साहन मिला। गणित में ऑनर्स के बाद गीता ने IIMC से एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई की और कुछ समय तक एक मीडिया कंपनी में नौकरी भी की। क्योंकि नृत्य और संगीत उनके बचपन और जीवन का हिस्सा रहा, इसलिए उन्होंने इसे अपना करियर बनाया और खुद को शास्त्रीय नृत्य के लिए समर्पित कर दिया। गीता ने अपने नृत्य में नए प्रयोग किए और इसके जरिए समाज में हो रहे अपराधों के खिलाफ अपने विरोध को भी प्रस्तुत किया। गीता की लिखी किताब सो मेनी जर्नीज शास्त्रीय नृत्य, खास तौर से भरतनाट्यम का एक दस्तावेज कही जा सकती है। इन दिनों नाट्य वृक्ष संस्था के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षण दे रही पद्मश्री गीता चंद्रन है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं पद्मश्री गीता चंद्रन जी से, जो कि देश की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है और शास्त्रीय गायिका भी हैं। कैसे डिफाइन करती हैं आप अपने आप को गीता जी? डिफाइन करना बहुत मुश्किल है अपने आप को। अपने एक रसिक के हैसियत से अपने आप को पहले मानूंगी, क्योंकि कलाकार होने से पहले एक रसिक होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और जिस फैमिली में मैं पैदा हुई, मुझे लगता है कि सभी रसिक थे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि बचपन से बहुत कार्यक्रम देखने के लिए ले जाते थे और सुनते थे, देखते थे। तो एक विजुअल वोकैबुलरी और एक ऑडियो वोकैबुलरी बहुत बचपन से ही एक तरीके से एक इनिशिएशन हो गया था। तो मुझे लगता है दैट रियली हेल्प्स एज यू ग्रो अप, बिकॉज बैकग्राउंड इज देयर, यू नो, एक बीज जो आप जिसकी बात आपने की, एक नींव जो है वो पड़ चुकी थी ऑलरेडी। तो आप तो एक ट्रेडिशनल तमिल फैमिली से आती हैं और आप कह रही हैं उसमें रसिक थे, जाहिर है आप ऑडियो विजुअल और इन तमाम चीजों के साथ कहीं ना कहीं कानों में पड़ती थी, आंखों में देखती थी। लेकिन ये सब शास्त्रीय था, ये इसमें एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि आंखों में और कान में तो और भी बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, लेकिन उसकी तरफ आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। हमारे जनरेशन में कान में बहुत कुछ नहीं पड़ता था, ये था कि फिल्म म्यूजिक था, विविध भारती बहुत सुनते थे, और उसमें भी अच्छी कविता और अच्छी संगीत सुनने को मिलती थी। तो ये फर्क है जी। फिर अगर आप तमिल फिल्म्स को भी देख लें तो उसमें भी जो नृत्य होता था फिल्मों में भी वो बहुत शास्त्रीय होता था, बहुत बड़े गुरु जो है उनके लिए, फिल्म्स में भी पहले आप उनके लिए बहुत बड़े बड़े गुरु जो है दंडाई दपाणी पिल्ले या वड़वू रामया पिल्ले, इन्होंने सब जो है डांस कोरियोग्राफी करी थी। तो शास्त्रीय और जो बाकी नृत्य शैली थे उनमें बहुत ये जो अभी जो गैप आ गया है वैसा गैप नहीं था। क्योंकि जो शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थे वही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बनते थे। तो मुझे लगता है कि आज के जैसा जो एक डिवाइड आ गया है अलग अलग जॉनर्स में, वैसा नहीं था तब। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक था सब कुछ। तो आज जो अटपटा लगता है हमें वैसा नहीं था। और जो है 80 चैनल्स हमारे तरफ बीम नहीं करते थे, तो घर में रिकॉर्ड्स प्ले होती थी शास्त्रीय संगीत की, और आपके ही दूरदर्शन में 9 बजे प्राइम टाइम में हम शास्त्रीय नृत्य संगीत ही सुनते थे या देखते थे। तो मुझे लगता है एक तरीके से एज आई सेड देयर वर नॉट टू मच ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, यू नो, इट वॉज एस्थेटिक्स यूज टू डिफाइन व्हाट वॉज गुड एंड बैड।
अच्छा ये बताइए कि बचपन में मतलब क्या करती थी आप और कैसे ये जो बीज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पड़ गए देखने सुनने से, लेकिन सिर्फ उससे कुछ नहीं होता, उसमें शिक्षा दीक्षा भी लेनी पड़ती है। बिल्कुल। तो कैसा था आपका बचपन और क्या करती थी आप उस वक्त? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो... वो तो पता चल रहा है जब हम कह रहे हैं कि गणित में आपने विषय आपने ले रखा था। माँ मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। तो जाहिर है जैसे एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो एजुकेशन एक बड़ी पूंजी हो जाती है। पढ़ना जरूर है चाहे कुछ भी करो, पढ़ना जरूर। लेकिन साथ साथ हमारे फैमिलीज में ऐसा था कि एक फाइन आर्ट्स जरूर सभी सीखते थे, वादन हो, गायन हो, चित्रकला हो, कुछ भी। तो माँ ने 5 साल में स्वर्ण सरस्वती के पास मुझे ले गई जो मेरी पहली गुरु थी, और उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कुछ ऐसी कोई स्पार्क है, क्या ये पसंद करेगी, क्या करना है, लेकिन मैं चाहती ज़रूर हूँ कि ये नृत्य में सीख जाए और देखते हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से कोई स्टेक्स के साथ हमने नहीं सीखा कुछ भी, कुछ एक ज्ञान अर्जन करने के लिए सीखते थे। आज जो है वैसा नहीं है। आज जो है मेरे बायो डेटा में क्या जाएगा, इस ये मैं करूं तो मेरे को इससे क्या मिलेगा, ये वाली सोच के साथ हम लोग सीखते हैं, वैसा नहीं था तब। मैं अपनी बात नहीं करी, एज अ जनरेशन जो भी क्लास में आते थे ये कभी नहीं सोचते थे कि हम कब परफॉर्म करेंगे या हमें क्या इसमें मिल सकता है। सीखते थे क्योंकि मस्ती में सीखते थे और उसमें एक तरीके का एंजॉयमेंट था सीखने में, you know? तो स्ट्रिक्ट थे बट फिर भी वो एंजॉयमेंट था। तो कैसा था वो डिसिप्लिन वाला दौर, वो अनुशासन, वो गुरु का वो डर कैसा था? बिल्कुल, जाने का तो टाइम था, आने का तो कोई टाइम ही नहीं था। तो जाते थे 4 बजे हफ्ते में 3 बार। अच्छा। और 3-3.5 घंटे से कम तो क्लास होता नहीं था। तो बहुत एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिमांडिंग तरीके से। कैसी थी आपकी गुरु? देखते ही डर लगता था बहुत ज़्यादा। एक बहुत ट्रेडिशनल थी। अच्छा। दोनों तरफ वो डायमंड की नोज रिंग्स पहन के, जैसे एम एस सुब्बलक्ष्मी होती थी उस तरीके की, और सांवली थी, और आज की तरह मैनिक्योर नेल्स वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इतने सुंदर थे कि हाथ से ऐसे कुछ करती थी तो एक बात निकल के आती थी, यू नो, हर hands were so communicative. I still remember. Yeah. She has stubby hands, but still, you know, if she held a hasta like that, it would really mean something, you know. Right. So, ek lotus aise kiya, तो लगता था कि खिल गया, खिल रहा है, खिल गया। तो उस तरीके का एक तो, और प्लस वो गाती थी, कंपोज कर सकती थी, वीणा बजाती थी, तो हमारे लिए तो बार बहुत रेज हो चुका था। गुरु माने ये सब आपको आना चाहिए, तब जाके आप कुछ नृत्य में कुछ थोड़ा बहुत सीख सकती हैं। तो 8 साल की उम्र में मैं म्यूज़िक भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि अब म्यूज़िक भी शुरू करना है। म्यूज़िक हमारे घर में तो मेन स्टे था, सब गाते थे, सब सुनते थे, अच्छा म्यूज़िक, समझ थी सबको म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक में बड़ा अच्छा था कि जो सिंगर मेरे लिए गाती थी उनसे ही मैंने, डांस के लिए। अच्छा। तो उनसे ही मैंने म्यूज़िक भी शुरू कर दिया, श्रीमती मीरा शेषाद्री। तो एक कनेक्शन बना रहा हमेशा म्यूज़िक और डांस का, जो मुझे लगता है कि अगर आप नृत्यांगना बनना चाहती हैं तो म्यूज़िक की समझ तो आपको, गाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और गाना उसके जो कैडेंस और रूट है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अच्छी कलाकार नहीं बन पाएंगे। तो फिर आपने कर्नाटक संगीत भी साथ साथ सीखा? संगीत 20 साल सीखा। अच्छा। और एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे म्यूजिशियन बनना है कि डांसर बनना है, इसमें थोड़ा सा था। अच्छा। मेरी माँ आज भी मुझे बहुत उस उनको बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि मैं संगीत में भी उतना ही करूं, लेकिन दोनों प्रोफेशंस बहुत डिमांडिंग हो गई, एक पॉइंट में आके मुझे चूज करना ही पड़ा। तो ये हमेशा गिला उनको रहा है कि गाया क्यों नहीं। माओं को हमेशा रहता है कुछ ना कुछ रहता है कि इसने ये क्यों नहीं किया, लेकिन आप जो कर रही हैं जाहिर है उसमें अपने महारत हासिल की है आप। फिर ये सफर कैसा चला, मतलब पहली गुरु तो हो गई, फिर आगे कैसे एक्सटेंशन हुआ? स्कूल के बाद कॉलेज में आए और कॉलेज में मैथ्स लिया, लेडी श्रीराम कॉलेज में थे, और ये एक 3 साल का जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, ये भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो कॉलेज में बहुत नाम भी हुआ क्योंकि काफ़ी डांस करते थे, काफ़ी गाते थे, काफ़ी ट्रैवलिंग किया, और तब तक
एक लेवल तक आ गए थे डांस में और म्यूज़िक में, तो परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ट्रैवल करते थे. तो बट मैथ्स आगे नहीं पढ़ना है, ये तो 3 साल के बाद तय हो गया था. लेकिन 2 और 2 4 होते हैं मैथ्स में, 5 तो हो नहीं सकते. आर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है, 2 और 2 2000 भी हो सकते हैं. ये बड़ा डिफरेंट है आपका, जो डिफरेंट नहीं है क्योंकि बहुत डांस में बहुत मैथ्स है. अच्छा, एक्चुअली तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि अब तो क्या ग्रेजुएशन, तो हमारे फैमिली में सब बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो ग्रेजुएशन तो कुछ माना ही नहीं जाता है. तो आगे का क्या सोचना है. तो मैंने फिर बहुत सोचा कि क्या करना है आगे, क्योंकि ये तो सही है कि आर्ट्स में कोई गारंटी नहीं होता है, तो एक फॉल बैक तो आपको चाहिए ही होता है. तो यही सोच के शायद पापा ने कहा होगा. उस टाइम तो खैर उतनी समझ नहीं थी समझने के लिए कि क्या क्यों बोल रहे हैं ऐसे. तो मेरे को भी लगा था कि मैं फुल टाइम डांस और म्यूज़िक के लिए तब तैयार नहीं थी, यू नो, एक तरीके से इमोशनली. तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ कम्युनिकेशंस में एडवर्टाइजिंग पढ़ ली. आपने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस किया, एंड वो एक साल मेरे लिए अगेन वॉज क्वाइट अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि काफ़ी कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अलग अलग फैसेट्स मैंने देखे, और मेरे पीयर भी बहुत अच्छे थे और बहुत कुछ और सीखने को मिला. और फिर मैंने एक नौकरी भी कर ली नॉन अलाइन मीडिया फाउंडेशन में, और मैंने सोचा मैं सुपर ह्यूमन हूँ कि मैं नृत्य भी कर सकती हूँ, ट्रैवल भी कर सकती हूँ, काम भी कर सकती हूँ. जैसे 20s में आप सोचते ही हैं कि सब कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. कुछ दिन किया भी, लेकिन वही to be traveling in 2 boats, you know, when you're in office you keep wondering, oh my god, I could have created something so beautiful at this time. ab main guruji abhi kya kar rahe honge, ye wo. aur jab wapas aate hain to itne thak jate hain ki guruji baithe rehte the sham ko, aur main aati thi aur main kehti thi nahi aaj bahut thakan ho rahi hai, thoda bahut karke fir uske, to fir guilt trip pura time. तो मैंने एक दिन तो मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं चलेगा. एंड मैं गई और गुरुजी से मैंने कहा कि आप मुझे 5 घंटा रोज देंगे. I wanted something in hand before I left, you know, everything. तो उन्होंने कहा अभी जाके देके आओ बेटा. तो बस उसके बाद दक्षिणामूर्ति गुरु के एन दक्षिणामूर्ति थे तब मेरे गुरु, और उन्होंने फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक. 6 घंटा 7 घंटा जो भी सीखा था उसको एक अलग तरीके से डाइजेस्ट करके उसको प्रोफेशन के तौर पे देखना. और फिर आप एक खूबसूरत नृत्यांगना में तब्दील हो गई, पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया अपने आप को. हमारे साथ आज गीता चंद्रन जी मौजूद हैं तेजस्विनी में. छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उनसे ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप देखते रहिए तेजस्विनी. हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है. अच्छा, घर पहुँची की नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था. ऐसा क्या काम आ गया आज बेटा, 12 बज रहे हैं. लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाए. अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है. ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ. अकेले टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात. पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो. एक सेकंड होल्ड करो. नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर. चलो. हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुँचा दूंगी. जितनी ज्यादा औरतें होंगी ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी. चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें. तेजस्विनी में आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है. आज हमारे साथ भरतनाट्यम नृत्यांगना गीता चंद्रन मौजूद हैं, जो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमें बता रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत आपकी तरह आपकी जर्नी. तो उसके बाद जब ये फैसला आपने कर लिया कि अब करना है तो सिर्फ नृत्य करना है और कुछ करना नहीं है, फिर कभी एक बार को ये नहीं लगा कि जैसे आप कह रही हैं कि फैमिली में सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, तो आपको नहीं कभी लगा कि मतलब मैं नृत्य में कहाँ जाऊँगी, मतलब क्या मेरी उड़ान होगी, कहाँ जाके पहुँचूँ? क्या दिल में ये एक कहीं कश्मकश बनी हुई थी? सब सारे फ्रेंड्स ने कहा कि पागल हो, दोनों कर सकती हो. हाँ. इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, ये भी कर लेती, साइड में नृत्य भी कर लेती. हाँ. सबका यही सोचना था कि मल्टीटास्किंग वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन, और बहुत लोग कर भी रहे थे तब. तो
लेकिन एक पर्सनालिटी की भी बात होती है. मैं वो कीड़े की तरह हूँ जो घुस घुस के पूरा जब तक नहीं कर लेती तो मज़ा नहीं आता. यस, फैमिली में तो बहुत था क्योंकि सब आईआईटी से थे या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे या डॉक्टर्स थे जिपमर से, वहाँ से यहाँ से सब. तो सबको था कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो कुछ ना कुछ तो ये भी बनेगी फैमिली में. तो किसी ने सोचा नहीं था कि सब छोड़ के ये डांस 24 आवर्स में आ जाएगी. लेकिन बहुत लोग खुश भी थे क्योंकि सोच रहे थे कि चलो एक एक जन तो कर रहा है जो वो करना चाहती है, हम लोग सब एक घिसे पिटे तरीके से अपना लाइफ चला रहे हैं. तो डिवाइडेड था फैमिली, लेकिन माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी वेरी मच एंड दे सेड कि इट्स अप टू यू, यू नो, तुम्हें लगता है तो तुम करो. हाँ हाँ. एंड दे हैड सीन दैट एक प्रॉमिस है इसमें और गुरुओं ने भी उनको हमेशा कहा था कि ये लड़की करेगी कुछ. तो उनको ये भी था कि टैलेंट है, बिकॉज यू नो योर एस्पिरेशंस हैव टू बी कमेंसुरेट विथ योर टैलेंट. ये मैं बहुत मानती हूँ. और ये कि टीचर ही ऑनेस्टली बता सकता है आपको. तो ये मैं अपने टीचिंग सेटअप में बहुत इसको ध्यान में रखती हूँ और ऑनेस्टली बता देती हूँ कि एक बच्चे को फ्लेयर ऑटोमेटिक फ्लेयर है कि नहीं है. और बहुत बच्चे 5-6 साल सीखने के बाद भी मैं कहती हूँ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डांस में मत डालो, कुछ और भी सीखो. ये सीख लिया आपने 4-5 साल, आपको एक एक स्ट्रक्चर तो मालूम हो गया, इसके प्रोसेस में क्या क्या जाता है वो तो पता लग गया, लेकिन इसी को लेके आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक टैलेंट जो होता है वो बात नहीं है. होता है ना सब में एक एक इनेट टैलेंट जो होता है वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसको आगे लेके जाना है. सिर्फ एक समझ के लिए आप सीख रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसको अगर प्रोफेशनली आगे ले जाके उसको एक अलग तरीके से आप देखना चाहते हैं तो वो एक प्लस 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 चाहिए. सही बात है. लेकिन एक बार बताइए कि जैसे जैसे अब जैसे आप बात कर रही थी कि हमारे टाइम में उतना 80 या मोर देन 80 चैनल्स नहीं बीम करते थे, कानों में भी उतनी आवाज़ें नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल तो मतलब आवाज़ों का ही दौर है, विजुअल मीडियम का ही दौर है, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, डांस में तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स आते हैं टेलीविजन पर, गाने के तरह तरह के आते हैं. क्या आपको लगता है कि ये कुछ सुधार, इससे कुछ उद्धार होगा हमारे शास्त्रीय गायन या नृत्यों का, या ये कहीं नहीं ले जाके पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? आज जो बच्चे आते हैं इसमें सीखने के लिए और इसमें रहते हैं वो बहुत कमिटेड हैं. इन सब के रहते हुए भी अगर उन्होंने शास्त्रीय नृत्य संगीत को चुना है और इसमें आगे इसको ले जाना चाहते हैं तो उनका जो एक डिटर्मिनेशन है वो मैं मानती हूँ कि बहुत ही यू नो इट्स वेरी रिमार्केबल दैट दे गिव अप एवरीथिंग एंड डिसाइड टू कम इनटू द आर्ट्स. एंड एज फार एज द मॉडर्नाइजेशन गोज, आई थिंक टेक्नोलॉजी का बहुत असर है लर्निंग और टीचिंग में. क्योंकि जहाँ हमारे टीचर्स जो हैं एक बुक नोटबुक भी नहीं ले जाने देते थे अंदर, कहते थे श्रुति स्मृति ट्रेडिशन में सीखो आप, सीख यहाँ से सुनो और यहाँ पे इसको कंप्यूटर में, यहाँ वाले कंप्यूटर में उसको डाल दो, घर जाके जो भी लिखना है आप लिखिए, क्लास में बिल्कुल लिखने नहीं देते थे कोई. लेकिन आज ये है कि हम एक पीस ख़त्म होने से पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम मैं करके उसको वीडियो रिकॉर्ड करके देती हूँ, पूरे लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख के देते हैं, फोटोकॉपी ऑफ द सॉन्ग देते हैं. तो आई थिंक वो सब लर्निंग में बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि देयर सो मच मोर दैट यू कैन एक्चुअली शेयर विद द स्टूडेंट एंड द लर्निंग इज फास्टर ऑल्सो. एंड आई होप इन टाइम दैट विल रिफ्लेक्ट. लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत माइंड्स को ये इस तरह की चीज़ें प्रभावित कर लेती हैं? आपको लगता है कि ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि डांसिंग का टैलेंट अगर आपके अंदर भीतर है तो फिर डांस कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, एक कंपटीशन में जाना है तो उसी तरह आप अपनी एनर्जीज को डाल देते हैं. क्या आपको लगता है ऐसा होता है कहीं, और क्या इससे नुकसान होता है हमारे शास्त्रीय नृत्यों को, गायन को, इन सब चीज़ों को? इसमें बहुत अलग सोच रखती हूँ कि डांस में तो कोई कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता, मुझे ये लगता है. शास्त्रीय नृत्य में तो ये एक सीखने सिखाने का जो एक सिलसिला है वो बहुत लंबा है और इसमें मैं भी आज भी मुझे बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है अरे मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा, इतनी सुंदर चीज़ मैंने कैसे मिस कर दी, और वही पीस मैं कितने वर्षों से कर रही हूँ लेकिन ये एक चीज़ कैसे रह गया, मुझे कैसे नहीं पता लगा. तो ये कॉन्स्टेंट डिस्कवरी की एक खोज जो हम कहते हैं वो है. और कॉम्पिटिशन इज़ विद इन योर सेल्फ कि आप
पहले से कितना अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे लगता है वो कंपटीशन को हम वो देते हैं, फायर करते हैं, रादर देन कम्पीटिंग विद एक्स वी जेड. और तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत एक टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड चीज़ें हैं. इतनी कॉम्पिटिशन्स होती हैं तो उनमें से जो जीता है वो कहाँ है आज. एक हफ्ते की वो एक छोटी सी उनकी एक वो रौनक होती है, उसके बाद वो कहाँ है किसी को कुछ पता ही नहीं. इतना सारा जो शोर शराबा, इतना सारा जो नृत्य है, कई कई फॉर्म्स हैं जिसमें आजकल डांस चल रहा है, उसके बीच में हमारा शास्त्रीय नृत्य आज कहाँ खड़ा है. और आप तो इतने स्टूडेंट्स को अब सिखा रही हैं, कितना स्पार्क है और कितना डेडिकेशन है आज के लोगों में इसके प्रति. मुझे लगता है बहुत डेडिकेशन है. और नंबर्स के हिसाब से आप देखें तो हमारे टाइम से अभी ज़्यादा डांसर्स हैं, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग ही इसमें जाते थे, क्योंकि इसमें सोशल टैबू होता था, इसमें बहुत कुछ और चीज़ें होती थी. लेकिन आज वो सब हट गया है, इट्स कम्प्लीटली डेमोक्रेटाइज्ड. तो मुझे लगता है कि अच्छे फैमिली से बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियर या फिर कोई और कुछ भी बन सकते थे, उस सब छोड़ के इसमें आते हैं. तो मुझे लगता है कि इट्स अ कॉन्शियस ऑप्शन. पहले ये होता था किसी परिवार में आपने जन्म ले लिया या आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप नृत्य में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है. आज बहुत मेरे से भी आगे जनरेशन जो आ रही है बहुत सोच के सब कुछ छोड़ के इसमें आ रही है. पर आपको नहीं लगता कई बार बहुत ज्यादा इलीटिस्ट हो गया है आर्ट, बड़ी इलीट चीज हो गई है अब वो, आम फहम नहीं रही, वो कहीं खास किसी जगह में वो हमने ही बनाया है, क्योंकि उसको आप पब्लिक स्पेसेस में नहीं करते. इसको आप सिर्फ एक ऑडिटोरियम में, पहले ये मंदिरों में बाहर में प्रांगण में होता था, वैसे स्पेसेस आप रहे अब रहे नहीं. अब हम मॉल में जाके तो नहीं कर सकते, तो स्पेसेस जो हैं वो हमने क्रिएट नहीं किए क्लासिकल के, लेकिन है अभी भी है. अनन्या फेस्टिवल फॉर एग्जाम्पल है, वो पब्लिक स्पेस है, या सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस है, वहाँ पर भी होता है. तो ये सब पब्लिक स्पेसेस अभी आ रही हैं, बिकॉज यू नो फ्रॉम द टेम्पल ट्रेडिशन वी हैव स्टिल इवॉल्व्ड एंड कम ऑन टू ओनली द स्टेज. प्रोजिनियम स्टेज में ही हम आए हैं. अब इसको कैसे आगे ले जाना है और इसको अपनी अगली जनरेशन इसको कैसे आगे ले जाएगी, दैट इज लेफ्ट टू देम. अच्छा एक बार बताइए, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी थीम्स के साथ में आपने अपने नृत्य को जोड़ा है, जिसमें जेंडर है, विमेन है, फीमेल फिटिसाइड है, क्या ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है शास्त्रीय नृत्यों से, या आपको लगता है कि एक लेवल तक ही आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं? मेरे हिसाब से इसमें मेरे माइंड में कोई यू नो देयर इज नो डाइकोटमी, बिकॉज एक तरीके से मैं पूरी शास्त्रीय नृत्य और संगीत को आगे ले जाना चाहती हूँ पारंपरिक तरीके से वो, और वही मैं सिखाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है. एक्सपेरिमेंटेशन लेवल एक लेवल के बाद ही आता है कि आप स्टेप आउट करके देखें, बिकॉज यू मस्ट नो द वोकैबुलरी वेरी वेल बिफोर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द वोकैबुलरी. जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं तो आपको पहले लैंग्वेज की पूरी एक समझ और होल्ड आप में आनी चाहिए, तब जाके आप कुछ कम्युनिकेट करो. क्या कहोगे उसमें बाद में आएगा, पहले कहना तो आना चाहिए ना. तो पहला तो वो है, और उसके बाद आप क्या करें, दैट्स योर ओन पर्सनालिटी. मैंने जो किया, क्योंकि आई वेंट टू अ गर्ल्स कॉलेज, विमेन्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, विमेन्स कॉलेज, एंड देन आई सॉ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अमंगस्ट विमेन, द डिफिडेंस, द फैमिली, एवरीथिंग. तो मुझे विमेन का एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनली एक था, जिसके वजह से मैंने कहा कि डांस को लेके उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल टेक ऑफ एन आर्टिस्ट. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देयर इज नो वन रूल. इफ द आर्टिस्ट रियली फील्स फायर्ड टू डू समथिंग, देन शी शुड डू इट, अदरवाइज शी शुड नॉट. जस्ट बिकॉज देयर इज अ ग्रांट और समबडी एल्स इज डूइंग इट और दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव मी मोर पब्लिसिटी, दैट कुड बी नॉट द रीजन, शुड नॉट बी द रीजन फॉर डूइंग एनीथिंग दैट इज कंटेम्प्रेरी और समथिंग दैट इज वेरी अ बर्निंग इश्यू. बट इफ यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट तो आपको करना चाहिए, तब आपको करना. अच्छा गीता जी, और क्या करना चाहिए अब आपको? आप पुस्तक भी लिखती हैं और लिख भी चुकी हैं, ये बताइए कि क्या करना चाहिए? एजुकेशन में जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत हमारे क्रिटिसिज्म हो गया कि क्लासिकल के लिए ऑडियंस नहीं है, ये क्योंकि समझ नहीं है. जहां पे भी हम जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, थ्रू स्पिक में के और थ्रू अदर थिंग्स, पहले जाते हैं तो एक बॉर्डम फेस में दिखता है बच्चों का, क्योंकि उनको पहले कभी देखा नहीं है. फिर जाने का टाइम जब आता है तो कहते हैं अभी मत जाइए दीदी, अब हमको और सुनना है और करना है. तो बेसिक एजुकेशन में हमने आर्ट्स को इंटीग्रेट किया ही नहीं, तो बच्चों को तो इसकी समझ है ही नहीं. तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एन इन्फॉर्म्ड रिजेक्शन, इट इज़ अ
कम्प्लीटली नॉट नोइंग एनीथिंग हैंस यू रिजेक्ट. तो मुझे लगता है कोई इन्फॉर्म्ड चॉइस देना चाहिए उनको, जिसके लिए मैं एजुकेशन बहुत जाना चाहूँगी और मैं डेफिनेटली इसको एक मुद्दा बना के अपने फ्यूचर में बहुत करना चाहूँगी, जहाँ पे हम डेलिब्रेटली आर्ट्स को फॉर्मल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करें और सुंदर चीज़ें जो आर्ट्स की हैं उसको शेयर करें. और जो एक हमने एक मैंडेट बनाया है एक डांस टीचर का स्कूल में, बहुत एक सीमित एक रोल बनाया है उसका, बिकॉज मैंडेट एक डांस टीचर का एक रसिक बनाना है स्कूल में, डांसर बनाना नहीं है. तो मुझे लगता है उसको ज़रा आगे सोच हमें जी जाना पड़ेगा. और हमें उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगी और एक नृत्यांगना के तौर पर भी आप और जो पढ़ते हैं अभी और खुलेंगी. बहुत बहुत धन्यवाद गीता चंद्रन जी हमसे बात करने के लिए, तेजस्विनी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और इसके साथ ही हमारी आज की तेजस्विनी में इतना ही. अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से तेजस्विनी में आपकी मुलाकात कराएंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.